आप लोगों को अनम्यूट, मैं पूछूंगा अनम्यूट करने के टाइम पे, तो अनम्यूट करके बताइएगा। आनंद ने पूछा है क्वेश्चन नंबर थ्री। आनंद अनम्यूट करके बताओ कैसे ट्राई किया। सर हम पहले जो दिया है ना 2174, उसको हम पहले पी मान लिए हैं, उसके बाद ए, और उसके बाद में जो दिया है वो क्यू मान लिए हैं। अब पहले हम पी क्यू को मल्टीप्लाई कर दिए हैं और ए को हम ए गलत की हो नंबर। तो सर हम पहले इस तरह पी ए कर रहे थे, उसके बाद सर फिर पी ए करने के बाद जो आ रहा था उसमें फिर क्यू से कर रहे थे, तो बहुत लेंथी चला जा रहा था। ए आपने पहले अज्यूम किया है, ए बी सी डी। अच्छा ठीक है, वो लंबा जा रहा था। आपके पास दूसरा टेक्निक क्या था, मैं आपको दूसरा टेक्निक बताता हूँ। ये इजीएस्ट, ये इनफैक्ट एनसीईआरटी आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जेई लेवल का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ आपको क्या करना था, आपने जैसे बोला कि आपने इसको पी माना है, इसको क्यू माना है, तो आप इसको ऐसा क्यों नहीं किए हो। ट्राई, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। आपने इसको ऐसे क्यों नहीं ट्राई किया है कि आपने P को इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाता P इनवर्स इनटू P, या कह सकते हो कि हम दोनों जगह पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं P इनवर्स से। तो P इनवर्स इनटू P इनटू A इनटू Q इज इक्वल टू P इनवर्स इनटू I। ये एक तरीका था आपके पास। इससे क्या हो जाता, अगले स्टेप में ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है पी पी इनवर्स आई हो जाता, वो आई हो जाता। और सिमिलरली क्यू को हटाने के लिए फिर आप क्या करते, दोनों जगह पे क्यू इनवर्स से, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन था, फिर आपको एबीसीडी नहीं मानना पड़ता। बट यही दो ऑप्शन थे, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। या तो आप एबीसीडी मानकर सॉल्व करो, या फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई करो। सिद्धांत आया नहीं है, मैं यहाँ पे वेटिंग रूम ऑन कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअली मैं कितने लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं। सच बोल रहा हूँ, घर पे फोन जाएगा इस बार कल मेरी तरफ से। एक मैसेज डालता हूँ, ओके। सो अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर मुझे एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, जहां पे लोगों के थोड़े से गलतियों के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो फोर को हम पहले यहाँ पे डिस्कस करते गाइस, एक नॉर्मल सा केस लेकर। पहले एक नॉर्मल सा केस देखो, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। मान लो जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है, कोई बता सकता है उसका डिटर्मिनेंट का खासियत क्या होता है गाइस? Anyone? Diagonal का product होता है sir. Very good Shivam. तो कोई भी अगर एक diagonal matrix है, मान लीजिए D, और मैं let's say अभी 2x2 matrix लिख रहा हूँ, ठीक है? तो A 0, 0 B, ये एक diagonal matrix कहलाएगा। अब अगर आप यहाँ पे इसका determinant calculate करते हो, तो इसका determinant का value कितना आ रहा है? A B आ रहा है। फिर next is E. E वाले में क्या है? ये एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। ए जीरो जीरो, जीरो बी जीरो, जीरो जीरो सी। अब कितना हो गया? अब अगर हम ई का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो रहा है एबीसी, है ना? अब अगर हम ई का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो रहा है एबीसी। तो एक सिंपल सी खासियत जो अभी शिवम ने बताया, एक डायगनल मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट लिया जाता है तो उसके डायगनल एलिमेंट्स का ही सिंपल साधा प्रोडक्ट होता है, ठीक है? उसका सीधा प्रोडक्ट होता है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, उसमें जो डी दिया हुआ है गाइस, वो एक एन ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक एन ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है।
तो दिक्कत थोड़ा यहाँ पे लोगों को आ सकता है। बट अगर आप थोड़ा सा कोशिश करके यहाँ पे इन सारे मेट्रिसेस का एक बार इनवर्स निकालने की कोशिश करते, जैसे यहाँ पे अगर हम इसकी इनवर्स देखें तो इनवर्स अपना क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। अब 2x2 का इसका तो डिटर्मिनेंट हमने ए भी निकाल दिया, अगर हम इसका एडजॉइंट का बात करें तो एडजॉइंट आपको क्या बताया गया है कि जब एक 2x2 मैट्रिक्स होता है तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, राइट, बी यहाँ पे, ए यहाँ पे। अब अगर हम ए बी को अंदर भेज दें, ये जो बाहर ए बी दिख रहा है, इस ए बी को अगर हम अंदर भेज देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, बी अपॉन ए बी जीरो जीरो, ये बन जाएगा ए अपॉन ए बी। तो अब आप देख सकते हो कि एक एक टर्म कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली क्या बचा ऊपर यार, यहाँ पे बचा 1/a, 0, 0, 1/b, ठीक है, ये रहा। Is this clear? तो फाइनली क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, दैट जो डिस्क्रिमिनेट जो हमने इनवर्स निकाले हैं अभी, तो इनवर्स में सीधा साधा क्या था, चेक कीजिए, हमारा डी मैट्रिक्स था ए 0 0 b, और अब हमारा डी इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे -1 लिखना है, डी इनवर्स कितना आ रहा है, 1/a 0 0 1/b। अब अगर आप चाहते तो आप सेम चीज फिर ई पे भी लगा के देख लेते, अगर 2x2 में लग रहा है, 3x3 में भी अगर आपको दिख रहा है कि इनवर्स में बस डायगोनल एलिमेंट पलट जा रहा है, तो वहां से आपको पैटर्न दिख जाना था। बाकी एक बार आ जाओ, हम आप नॉर्मल डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन को जो मतलब मान लो कि टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन क्या होता, वो तो ऑब्वियसली इस तरीके से एग्जांपल्स ले लेके सॉल्व नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो सेकंड अप्रोच के हिसाब से जो डी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो बताया है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं d1 d2 d3, ऐसे करते करते कहां तक जा रहा है, वो dn तक जा रहा है, राइट। अब अगर आप यहां पे इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले कैलकुलेट करते हो गाइस, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हो तो ये तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का ही प्रोडक्ट हो जाएगा, तो d1 d2 d3 इनटू करते करते कहां तक, dn तक, पहली चीज। नेक्स्ट, अगर आप थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करने के लिए अगर मैं इसको फिलहाल अभी लिखूं तो ये कुछ ऐसा होगा, d1 0 0 0 अभी ये n तक जा रहा होगा, है ना, n तक जा रहा होगा, फिर यहां पे 0 आएगा, अब यहां d2 होगा, फिर ये 0 0 0 0 ऐसे चल रहा होगा, फिर इधर 0, यहां पे 0, यहां पे d3 0 0, ये इस तरीके से चल रहा होगा। अब ये गाइस इसी तरीके से आगे बढ़ रहा होगा, एंड लास्टली आपको लास्ट में एक ऐसा केस मिलेगा जहां पे इट विल बी 0 0, लास्ट में हम लिखेंगे dn, है ना, लास्ट में dn ऐसे लिखोगे। इसी तरीके से चलते रहेगा और लास्ट में आएगा यहाँ पे एक जगह पे dn, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये एक तरीके से हमारा n इंटू n का मैट्रिक्स होगा, और आप अगर टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन या टेक्स्ट बुक क्या कहेगा, टेक्स्ट बुक कहेगा कि आपको डी का इनवर्स निकालने के लिए पूछा गया, तो डी का इनवर्स हम टेक्स्ट बुक तरीके से कैसे निकालेंगे, हम डी का इनवर्स निकालने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ऑफ डी अपॉन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डी, है कि नहीं गाइस, एडजॉइंट ऑफ डी अपॉन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डी। अब चलो, अब एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन देखो, अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली एडजॉइंट में क्या देखते हो, एडजॉइंट में उसके कोफैक्टर्स को ही यूज करते हो ना, तो बताइए d11 का कोफैक्टर क्या होगा, आनंद अंजन, उस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा सर, वो 1 into, सर 1 into हो जाएगा ये सर, ये d2 से लेकर dn तक का सर ये मैट्रिक्स आ जाएगा। वेरी गुड, तो अगर मैं C11 लिखो, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स नहीं आएगा अंजन, मल्टीप्लिकेशन होगा ना सिर्फ, ऐसा या सर मल्टीप्लिकेशन गलती से बोल दिया सर। हाँ अच्छा, C11 हो गया, चलिए ये बताइए C12 का क्या होगा, देखो तो वहां पे C12, अगर यहां दिक्कत हो रही है तो एक बार यहां देखो, अगर मैं इधर C12 आपसे पूछता, ठीक है, इधर तो आप इसको और इसको हटा देते ना, तो क्या बन रहा है,
अल्टीमेटली ऑब्जर्व करोगे तो फिर जीरोस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा. इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऑब्जर्व करोगे तो जीरोस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा. ठीक है, तो C12 का वैल्यू कितना रहने वाला है? जीरो रहने वाला है. ठीक उसी तरीके से C13 का वैल्यू कितना रहेगा? जीरो रहेगा. सिमिलरली उस रो में आप कोई भी एलिमेंट का अगर आपको फैक्टर निकालते हो, C1n का भी निकालते हो, वो भी कितना रहेगा? जीरो रहेगा. ठीक है, वो भी जीरो रहेगा. तो इस तरीके से ये चेंज होते रहेगा. ठीक है, ये इस तरीके से चेंज होते रहेगा. अब ठीक, अगर हम C12 के लिए देखें, सॉरी अब हम सेकेंड रो पे आ जाए, तो सेकेंड रो पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो C21 का वैल्यू भी जीरो रहने वाला है. लेकिन C22 का अगर हम वैल्यू देखें, C22 मतलब क्या? अब हम इसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं, इसके बारे में. अब बताइए इसका को फैक्टर क्या होगा आनंद सर? D3 D4 मल्टीप्लाई होते होते Dn तक चला जाएगा. D1 नहीं आएगा क्या? आएगा सर, वो भी D1 भी आएगा ना. तो इंपॉर्टेंटली क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे C22 के केस में क्या हुआ, इट इज D1 D3 D4 .. Dn. तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जब भी Cij देख रहे हैं, जब भी Cij देख रहे हैं वेयर i is equal to j, तो उस एलिमेंट को छोड़कर बाकी डायगनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो रहा है ना. उस एलिमेंट को छोड़कर D11 D12 ऐसे करते करते Dnn इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एक्सेप्ट एक बस वैल्यू नहीं आएगा उसमें, Dij वाला है ना, एक वैल्यू नहीं आएगा Dij वाला. और अगर आप Cij कैलकुलेट कर रहे हो वेयर i is not equal to j, जैसे हमने ऊपर देखा, तो उस केस में ऑल सच को फैक्टर्स कितना हो रहा है? ऑल सच को फैक्टर्स आर इक्वल टू जीरो. ठीक है, ऑल सच को फैक्टर्स आर इक्वल टू जीरो. क्या आप सब ये पहचान पा रहे हो? यस और नो गाइस, गिव मी अ कंफर्मेशन. आर यू एबल टू ऑब्जर्व दिस कि हम अगर इस बड़े से मैट्रिक्स का, n क्रॉस n मैट्रिक्स का, अगर डायगनल एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो उस एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे डायगनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन उसको छोड़कर, डायगनल एलिमेंट को छोड़कर कोई भी नॉन डायगनल एलिमेंट का अगर आप कोफैक्टर निकाल रहे हो, तो वो कोफैक्टर की वैल्यू आ रही है जीरो. अंजन एंड आनंद, ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप लोग? नो आदर्श, माई वॉइस इज नॉट लैगिंग. यस सर, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ठीक से? I is equal to J का मतलब, दिव्या, जब I और J का वैल्यू सेम होता है तो मेरे प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट्स होते हैं. I is equal to J जब होता है, जैसे वो देखो D1 जो लिखा है ना, that is actually A11. D2 जो लिखा हुआ है A22 है. D3 जो लिखा हुआ है A33. तो जब मेरे I और J का वैल्यू सेम होता है तो डायगनल एलिमेंट की पोजिशन होती है, और जब I और J सेम नहीं होता है तो मेरे नॉन डायगनल एलिमेंट होते हैं. तो यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों को दिखाया इधर ये वाले केस में, कि C11 के केस में क्या आया था? D2, D3, D4 से लेके Dn तक का मल्टीप्लिकेशन. C22 के केस में क्या था? D1, D3, D4 से लेके Dn तक का मल्टीप्लिकेशन. तो इस तरीके से हम कोई भी डायगनल एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो उस एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा. ठीक है दिव्या, यहां पे I is equal to not J कैसे होगा? आप ये देखो कि ये व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस. अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज A22 ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है. ये क्या है? दिस इज A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है. व्हाट इज दिस? दिस इज A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है. एंड अल्टीमेटली प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डायगनल एलिमेंट जो क्या है. डायगनल एलिमेंट्स में I एंड J सेम होते हैं यार. ठीक है, ओके, समझ गए. ठीक है, तो नाउ ठीक है, तो देखिए मैं अब एडजॉइंट ए को लिख रहा हूं, मैं अब एडजॉइंट ए को लिख रहा हूं, एडजॉइंट डी को लिख रहा हूं. तो एडजॉइंट डी को जब लिख रहा हूंगा तो यहां पे डी वन नहीं आएगा, D2 D3 .. Dn रहेगा. ठीक है, बाकी जगह पे जीरो आने वाला है. फिर आगे जाएंगे, यहां पे जीरो होगा,
यहाँ पे डी वन डी थ्री डी फोर डॉट डॉट डी एन रहेगा, फिर यहाँ पे जीरो 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 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, अब यहाँ पे डी डी वन डी टू डी फोर डी थ्री नहीं रहेगा, डी एन तक जाएगा, और ये इस तरीके से आगे अब बढ़ रहा होगा। तो फाइनली ट्राई टू इमेजिन कि इफ आई एम गोइंग फॉर डी इनवर्स, इफ आई एम गोइंग फॉर डी इनवर्स विल बी इक्वल टू वन बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, है ना, दैट विल बी इक्वल टू वन बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट डी, एडजॉइंट डी। तो डिटर्मिनेंट डी तो हमने निकाल लिया था, डी वन डी टू डी थ्री डॉट 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 डी एन तक का मल्टीप्लीकेशन है, और बाकी अंदर की बात करें तो एडजॉइंट हमने देखा था डी टू डी थ्री, ये डी एन तक का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, फिर यहां पे डी वन डी थ्री डी फोर डॉट 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 डी एन तक का मल्टीप्लीकेशन है, अब फिर आगे जीरो जीरो डी वन डी टू डी फोर डॉट 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 डी एन तक का मल्टीप्लीकेशन है, और ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब आप देखो अंदर ये मैट्रिक्स है, दिस इज आवर एडजॉइंट डी, ठीक है, दिस इज आवर एडजॉइंट डी, ये चल रहा है इस तरीके से। तो जब ये बाहर जो नंबर दिख रहा है आपको, बाहर जो डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दिख रही है, जब हम उसको अंदर डालेंगे, जब हम उसको अंदर डालेंगे तो आप समझ रहे हो ना कि वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज इट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो अंदर का हर एक एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई होगा, तो अगर अंदर का हर एक एलिमेंट उसे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके तो जीरो की आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सब जो है, जैसे आप यहां देखो, इसको देखो, यहां पे डी टू से लेके डी एन तक का मल्टीप्लीकेशन है, और अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, वन डिवाइडेड बाई डी वन से लेके डी एन तक का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास वहां क्या बचेगा, मेरे पास वहां पे वन बाई डी वन बचेगा, यस और नो, टेल मी, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो इंस्टेंटली पूछे, बताइए क्या मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, बोलिए, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, d2 से लेके dn ऊपर है, d1 से लेके dn नीचे है, मल्टीप्लाई है सब कुछ, तो अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिमिलर टर्म्स कैंसिल होंगे, तो बचेगा क्या, d1 बचेगा, ठीक है, बाकी इधर 0 0 0 इस तरीके से चलेगा, यहाँ पे 0 इस तरीके से चलेगा, यहाँ देखोगे तो यह 1 बाई डी टू बन जाएगा, हाँ सिमिलरली यहाँ पे 1 बाई डी टू, क्योंकि यहाँ पे डी वन डी थ्री डी फोर से लेके डीएन, तो डी टू मिसिंग था, लेकिन इसके साथ जो डिवाइड हो रहा है वहां तो डी वन से लेके डीएन तक का मल्टीप्लीकेशन है, तो कहने के लिए डी टू बचेगा। तो फाइनली ये इस तरीके से चल रहा होगा, तो कैन आई से दैट माई डी इनवर्स विल नथिंग बिट बट डायगनल एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर, एंड दैट विल बी डी वन का डी वन माइनस वन डी टू माइनस वन डी थ्री माइनस वन डॉट डॉट डी एन माइनस वन, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर चुके हो कि डायगनल एलिमेंट्स में क्या हो रहा है, वन बाई डी वन आ गया, वन बाई डी टू आ गया, वन बाई डी थ्री आ गया, वन बाई डी फोर आ गया, तो मैं ये कह सकता, और नॉन डायगनल एलिमेंट जीरो है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक डायगनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो भी हमारा डायगनल मैट्रिक्स ही रहेगा। आदर्श, आ गए सिद्धांत, बहुत अच्छी बात है, आपका जो परफॉर्मेंस है वो माशाल्लाह हो रहा है। आदर्श, वी कैन नॉट हियर यू, क्या किसी ने भी आदर्श की बात सुनी अभी? Meanwhile, अंजन एंड आनंद, ये आपका डाउट था, मेरे को जल्दी बताओ सर, हो गया? यस सर, समझ में आ गया? यस, चलो ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर फोर डन, फोर के बाद आ रहा है सेवन, ठीक है, सेवन में कह रहा है पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी इनवर्स, और टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन पी कैन बी व्हाट,
तो आद्या पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी का इनवर्स दिया हुआ है, अगर मैं दोनों जगह पी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों जगह पी से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों जगह पी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, पी इंटू पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी इंटू पी इनवर्स, उसकी वैल्यू हो जाएगी आई। तो इसके बाद आप क्या करो, आप ऑप्शन को देखो, चार ऑप्शन है आपके पास, आप देखो कि किस ऑप्शन में उस मैट्रिक्स को आप जब उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करती हो तो आपको एक इनवर्स मैट्रिक्स मिल रहा है। आदर्श आप कह रहे हो कि आपको रिकॉर्ड नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, इस तरीके से फिर फायदा क्या होगा? गाइस मेरी आवाज में दिक्कत हो रही है क्या, या बाहर बारिश वारिश हो रहा है इसलिए आप लोगों को आवाज में प्रॉब्लम आ रही है? अंजन, दीप, दिव्या, शिवम, क्या मेरी आवाज में प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, सो दिव्या एंड आदर्श, बस आप लोगों का दिक्कत हो रहा है, आप लोग एक बार लीव करके दोबारा एंटर करो, आप लोग लीव करके दोबारा एंटर करो, आई थिंक आप लोग जो नेट यूज कर रहे हो वहां पे कोई दिक्कत होगी, ठीक है। एंड मीनवाइल आद्या देखिए, तो आप पी इंटू पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई कीजिएगा। अब आपको ना यहाँ पे ऑप्शन का हेल्प लेना पड़ेगा, बिकॉज ये बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको इनवर्स नहीं निकालना होगा। अब जैसे कि मान लीजिए कहीं ना कहीं ये आई का मतलब है 1001 ना, आई का मतलब है 1001, तो आप इसी चीज को ध्यान रखिएगा कि हर पॉइंट पे आपका क्या हो रहा होगा, cos square plus sin square बन रहा होगा, वहां पे 1 आएगा और कहीं पे कट रहे होंगे चीजें, तो देन यू विल हैव टू गो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस हियर। इज दिस क्लियर? आवर स्टार्टिंग स्टेप विल बी p इनवर्स को बनाना है, p में कन्वर्ट कर लेना है, एंड सो द इक्वेशन विल बी p into p transpose is equal to i, एंड फिर हमको p पुट करना है, ऑप्शन वाइज चलना पड़ेगा। बोलिए, जैसे मैं आपको लेट से एक ऑप्शन आप सॉल्व करके देखना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसको p मान लेना, ये पहला ऑप्शन को इसको p मान लेना, इसका ट्रांसपोज को लिखना और फिर उसको मल्टीप्लाई करना, एक ही दो स्टेप में आपको पता चल जाएगा वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है। ओके, सो आफ्टर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, आई थिंक अंजन ने क्वेश्चन भेजा था ना, 11 आया है, 7 तो डाउट हो गया, अब 11 पे ना, अच्छा 11 चलो कॉम्प्लेक्स वाला है, इसको अभी लीव कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स वाला भी आपको नहीं पता होगा, नो प्रॉब्लम, अभी फिलहाल के लिए लीव कर देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के बाद अगला बताओ, आफ्टर 11 टेल मी द क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ए बी सी इज इक्वल टू पी एंड ए इज इक्वल टू ए बी सी सी ए बी बी सी ए, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई दिया हुआ है। ए बी सी सी ए बी बी सी ए, ए बी सी सी ए बी बी सी ए, ठीक है, ये मेरा ए मैट्रिक्स है। साथ ही साथ क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई होकर आई बन रहा है, तो हम इसका ट्रांसपोज साथ ही साथ बगल में क्यों ना लिखते, तो यहां पे आ जाएगा ए बी सी, यहां पे आ जाएगा सी ए बी और यहां पे आ जाएगा BCA, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू आई, आई विल बी इक्वल टू 100010 and 001। अब हम कहां से शुरू करेंगे, हम पहले इसको रिमूव कर देता हूं। अब आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई की होगी आई थिंक सबने, तो मेरे को जल्दी से वैल्यूज बता दो इफ पॉसिबल, मल्टीप्लाई करके कंपेयर किया होगा तो वैल्यूज बता दो ना क्या आ रहा है। एक तो मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बिकॉज ये देखिए
ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई होता, ये बी इसके साथ मल्टीप्लाई होता और ये सी इसके साथ मल्टीप्लाई होता, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर आप उसको राइट साइड से कंपेयर करते तो वन। इतना इतना किया है कि नहीं? जिन जिन लोगों को 12th में दिक्कत है आई थिंक इतना तो किया होगा। दिव्या क्वेश्चन नंबर 7 तो अभी बताया मैंने। आनंद, आदर्श, निधि, शिवम, आद्य, आप लोगों ने एटलीस्ट ए को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके आई के साथ इक्वेट किया है ना? ये सिर्फ बात हो गया था। तो अब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 1 आया है, और क्या आया है? जीरोस, जीरोस में क्या आया? आई थिंक रिपीटेशन चल रहा है। तो सी ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक यू विल बी गेटिंग हर जगह से ये, क्योंकि ये तो साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, तो बार बार यही आ रहा होगा, है ना? बार बार यही आ रहा होगा। सो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए सी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, और क्या दिया है क्वेश्चन में? ए बी सी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है गाइस। आप लोगों को थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में ये सिंपल सा चीज बताया गया होगा कि जब एक क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि देखो चारों ऑप्शंस क्यूबिक इक्वेशन है और ए बी सी तीन रूट्स दिए हुए हैं, तो क्या आपको वो सारी प्रॉपर्टीज याद है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता था, एंड सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम क्या होता था? डू यू रिमेंबर दैट? बिकॉज उन चीजों का यहाँ पे यूज होने वाला है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ ए बी सी आर द रूट्स ना, तो अगर हमको वो क्यूबिक इक्वेशन लिखना है, क्यूबिक इक्वेशन लिखना है या क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है, तो क्या होगा? एक्स क्यूब आएगा माइनस यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आता है, उसके बाद यहाँ पे दो दो करके जो प्रोडक्ट बनेगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू एक्स माइनस तीनों का प्रोडक्ट एक साथ। डू यू रिमेंबर दिस? ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का है ये, ठीक है। तो अब आपको इतना फील हो रहा होगा कि मुझे वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन में आपको एबीसी का वैल्यू पी दिया था, हमने ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू 0 निकाल लिया है, देखो ऊपर ब्लू कलर से लिखा हुआ है। ये ए प्लस बी प्लस सी के लिए दिक्कत है, ए प्लस बी प्लस सी के लिए दिक्कत है, बट वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि मेरा ये वाला वैल्यू कितना है? 1 है, देखिए बगल में ये वाला वैल्यू 1 आया हुआ है, ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी 0 आया हुआ है, तो ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होगा, फिर उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम 1 प्लस 0, तो 1 हो गया। अब यहां से a प्लस बी प्लस सी अगर हमको निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी के ऊपर अभी स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर को जो पावर है, पावर को दूसरे साइड में भेजोगे, लेकिन जब स्क्वायर के पावर जो पावर 2 को दूसरे साइड में भेजोगे, तो प्लस माइनस का रूट लगेगा, तो प्लस माइनस रूट 1 होगा, है ना? प्लस माइनस रूट 1, रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही रहती है, तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस 1 बन रहा है। तो फाइनली गाइस व्हाट डू वी हैव? हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया, हमारे पास ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू आ गया, और ABC का वैल्यू पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अब आप सिर्फ इसको यहाँ पे पुट कर लीजिए, अब आप इसको सिर्फ यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो ये x क्यूब, यहाँ पे a प्लस b प्लस c का वैल्यू रखो, कितना आया था? प्लस माइनस 1 आया था, ये वाला तो 0 आया था, और ये वाला ABC का वैल्यू p था। तो फाइनली अब माइनस है, अब प्लस माइनस है, तो अल्टीमेटली तो प्लस माइनस ही रहेगा, वो अल्टीमेटली प्लस माइनस ही रहेगा, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। इज दिस क्लियर गाइस? यहां पे आप लोग डिटरमिनेंट का दिमाग लगा रहे थे, बट एक पॉइंट पे थोड़ा सा आपको यूज करना था थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। सो टेल मी, बहुत लोगों को 12th में डाउट था, इज दिस क्लियर?
सर स्लाइड थोड़ा छोटा कीजिए ना. सर अगर हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस नो सर सर हो गया. 7:18 आधे घंटे में हम दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन ही कर पाए. ओके नेक्स्ट आफ्टर 12 गाइस विच क्वेश्चन आनंद एक बार मेरे को बता देना यार. कल तो पता ही आपको तबीयत खराब थी तो मैंने कल क्लास लेने के बाद मैं सो गया था. 14 भी है ठीक है. ए स्क्वायर दीप ये 14 क्या आपका डाउट था क्या शायद ऑप्शन दिख रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल इसलिए याद आया. ए स्क्वायर ए प्लस वन होल स्क्वायर ए माइनस वन होल स्क्वायर. अंजन मेरे को एक बार याद दिला देना क्लास के बाद मैं अपलोड करूंगा. दो दिन से जानते हो तबीयत खराब थी तो चीजें अपलोड नहीं हुई है. ओके तो सबसे पहले अब मुझे ये सॉल्व करना है. मुझे यहाँ पे बोला हुआ है कि एबीसी हमारे क्या है. एबीसी हमारे साइड्स ऑफ द इक्विलेटर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बोला हुआ है सर राइट. तो स्टार्टिंग में क्या कियोगे अंजन आपका ये डाउट है ये और किसी ने नहीं पूछा है तो स्टार्टिंग में क्या कियो ये बताओ. टू लिखे हैं सर रो टू माइनस रो थ्री तो उससे सर वो टर्म्स कम हो गए. अच्छा रो टू माइनस रो थ्री लेकिन अल्टीमेटली क्या कुछ कॉमन वगैरह निकला है उससे. इम्पोर्टेंट चीज तो यही है ना टर्म्स तो कम हो गए. चलो रो टू माइनस रो आ रहा था जैसे फोर फोर ए भी वहां से आपको फोर ए आ रहा था सर फोर ए फोर ए फोर ए प्लस टू आया होगा ठीक है. नहीं फोर ए आया होगा सर यहाँ से आपको फोर भी आया होगा यहाँ से आपको फोर ए उसमें फिर फोर बी ठीक है. लेकिन अगेन रीजन यही है कि क्या उससे फिर हम कॉमन वॉमन निकाल पाए हैं. नहीं निकल पाया. अगर मैं एक बार ऑप्शंस को देखो ठीक है ऑप्शंस को देखिए ऑलरेडी इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है. मतलब सबसे पहले तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू जीरो दिया हुआ है. तो और एक और चीज जो ऑब्जर्व करने लायक थी ये साइक्लिक ऑर्डर में है ना. साइक्लिक ऑर्डर में चीजें नहीं दिख रही हैं. ए के जगह पे अगर हम बी रख देते हैं तो ये फैक्टर थ्योरम यूज हो जाएगा कि नहीं. ए के जगह पे अगर बी रख देते हैं तो फैक्टर थ्योरम यूज हो जाएगा है ना. सिमिलरली बी के जगह पे सी रख दोगे तो वो भी फैक्टर थ्योरम यूज हो जाएगा और सी के जगह पे ये रख दोगे वहां से भी फैक्टर थ्योरम निकल कर आ जाएगा. तो निधि ने चैट में ऑपरेशन बताया सी वन चेंजेस टू सी वन माइनस सी टू सी वन माइनस सी टू ठीक है एंड सी टू चेंजेस टू सी टू माइनस सी थ्री. तो उससे बेसिकली निधि हमें आई थिंक ए माइनस बी बी माइनस सी ये निकल आएंगे फैक्टर्स ना ये फैक्टर्स निकल आएंगे
फैक्टर थ्योरम से तो क्लियरली आई थिंक सबको ये दिख गया होगा कि a माइनस b एक फैक्टर हो रहा है, b माइनस c एक फैक्टर हो रहा है और c माइनस c एक फैक्टर हो रहा है। साथ ही साथ डायगनल एलिमेंट्स के डिग्री का सम कर रहे तो डिग्री आ रहे 6, लेकिन फैक्टर थ्योरम के हिसाब से फैक्टर बने 3, तो अभी भी वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, वो वाला पार्ट भी आएगा यहाँ। ओके सो लेट्स डू इट इन टू वेज। सबसे पहले तो फैक्टर थ्योरम का ही हेल्प ले लेते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर कि इधर हम ए के जगह पे बी रखेंगे तो हमारा पहला दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो रहा है, तो ए माइनस बी एक फैक्टर हो गया, ए माइनस बी एक फैक्टर हो गया, तो सिमिलरली बी माइनस सी भी एक फैक्टर कहलाएगा एंड सी माइनस ए भी एक फैक्टर कहलाएगा। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तीन, एक मिनट लेट मी टेक यू टू दैट पार्ट, आई थिंक लोगों को याद नहीं होगा अगर यहाँ पे सेव है तो। ओके तो ये याद है आप लोगों को, अच्छा यहाँ पे डिग्री थोड़ा आगे निकल गया ना, तो चलो हम बिना उसके ही कर लेंगे इसको। चलिए तो मैं सीधा यहाँ पे अभी सब्ट्रैक्शन पे लग जाता हूँ। सी टू चेंजेस टू, जैसे नीति ने बोला सी वन चेंजेस टू सी वन माइनस सी टू एंड सी टू चेंजेस टू सी टू माइनस सी थ्री। फैक्टर थ्योरम लग जाएगा बट आपको पहले एक ऑपरेशन करके थोड़ा डिग्री कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम मैक्सिमम दो तक के डिफरेंस का हमको पता है, तीन वाला भी क्यूब लगा सकते बट वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना हो जाएगा। तो चलिए c1 माइनस c2 करोगे तो आपको यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस b प्लस 1 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जैसा बन रहा है, तो x माइनस y इंटू x प्लस y। सिमिलरली यहाँ पे a माइनस बी फिर से एंड a प्लस बी माइनस टू। सिमिलरली यहां देखेंगे तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, सेम टाइप के यहां पे एक्सप्रेशन बनेंगे b माइनस c इंटू b प्लस c प्लस टू और यहां पे b माइनस c इंटू b प्लस c माइनस टू, ठीक है। और लास्ट में यहां पे आया c स्क्वायर c प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड c माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू जीरो, ये डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स का साइन गलती से जा रहा है। ओके अब आप कॉमन क्या निकाल सकते हो, तो मैं देख सकता हूं कि कॉलम वन से, कॉलम वन से हम लोग ए माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं, सिमिलरली कॉलम टू से बी माइनस सी भी कॉलम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ ए प्लस बी बचेगा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस टू बच रहा है और यहाँ पे a प्लस बी माइनस टू बच रहा है। सिमिलरली यहाँ पे b प्लस सी बचेगा, यहाँ b प्लस सी प्लस टू बच रहा है और यहाँ पे b प्लस सी माइनस टू बच रहा है। यहाँ पे c स्क्वायर, यहाँ पे c c प्लस वन होल स्क्वायर और यहाँ पे c माइनस वन होल स्क्वायर हुआ इक्वल टू जीरो। अब आपको और सिंप्लीफाई करने का सोचना होगा। सिंप्लीफाई बहुत क्लियरली दिख रहा है कि हम क्या क्या ऑप्शंस लगा सकते हैं। हम रो टू प्लस रो थ्री के लिए जा सकते हैं ना, रो टू प्लस रो थ्री ट्राई कर सकते हैं, नहीं रो टू माइनस रो थ्री करते हैं, पूरा जीरो हो जाएगा, दो टर्म्स जीरो होते हुए दिख रहे हैं मतलब। सो ठीक है, रो टू चेंजेस टू रो टू माइनस रो थ्री।
सी प्लस वन होल स्क्वायर माइनस सी माइनस वन होल स्क्वायर। तो अगेन वही लॉजिक, पहले एक बार ऐड करो दोनों को तो 2c आएगा, और एक बार सब्ट्रैक्ट करो तो 2 आएगा। I think एक और ऑपरेशन साथ में लगा सकते थे ना, अच्छा R3 थ्री प्लस आर टू करने से दो जीरो आ रहे हैं। नो सर, पहले R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और R3 में से R1, और फिर R3 प्लस R2 करेंगे तो आ जाएगा दो जीरो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 4-4 आ रहा होगा वहां पे भी, तो वो हम कैंसिल कर सकेंगे। 4 नहीं आएगा, 2 रहेगा, बट हाँ उसको हम कैंसिल कर सकेंगे। तो एक और ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 changes to R2 minus R3 किए हैं, और लगा देते हैं R1 changes to R1 minus R3 ना, R1 नहीं, R3 changes to सर हम किए थे, मतलब R3 को ऐसे किए थे और R2 को R2 माइनस R3 की जगह R1 किए थे, और तब R3 और R2 को जोड़े थे तो जीरो आ गया था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम R3 माइनस R1 करते हैं चलो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अगर उधर से हो गया तो इधर भी हो जाएगा। आपने अल्टीमेटली एक बार R2 और R1 के बीच में ऑपरेशन किया है, और आपने R3 और R2 के बीच में ऑपरेशन किया, राइट? R3 और R1। ठीक है सर, 1 माइनस 2c होगा। हम R3 माइनस R1 कर रहे हैं तो यहाँ पे 2C माइनस 1, माइनस 2C, माइनस 2C हो गई, माइनस 2C प्लस 1, यही कह रही हो? यस सर। अब हमको जीरोस लाना है गाइस। क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है कि अगर हम रो 2 में रो 3 का डबल करके ऐड कर दें, रो 2 में रो 3 का डबल करके ऐड कर देंगे तो जीरोस आ रहे हैं। ठीक है, तो रो 2 चेंजेस टू रो 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 3। और यहां पे 4c में हम लोग 4c ऐड कर रहे हैं, 4c प्लस 1 ऐड कर रहे हैं, यहां पे 2 आएगा। तो ये हमारा 4c है और ये भी 4c प्लस 2, तो 2 बचेगा इधर, यहाँ पे माइनस 2, माइनस 2 एंड माइनस 2c प्लस 1। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा अंजन कि हम यहाँ पे अब एक्सपेंशन के लिए जाएंगे। किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे हम लोग? तो हम एक्सपेंड करेंगे अब इसको रो 2 के अलोंग। रो 2 के अलोंग वो जो तीसरा एलिमेंट है उसका कोफैक्टर में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो हम इसलिए क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं। तो माइनस 2b माइनस 2c प्लस 2a प्लस 2b। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 भी कॉमन ले लोगे, अगर आप 2 को भी कॉमन ले लोगे तो आपके पास आ रहा है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी, इन तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आ रहा है। अब क्योंकि तीनों साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है, तो सबसे पहले कि यहाँ पे एबीसी, फिलहाल अगर नॉर्मली एबीसी की बात की जाए तो सारे पॉजिटिव है क्योंकि साइड्स है। अब तीनों चीज का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है क्या? अब इसमें बात अब हो जाएगा सर,
साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल आ जाएगा, तो आइसोसेलस हो जाएगा। हाँ ठीक दोनों। ओके नेक्स्ट आपने 15 पूछा था लोगों ने, राइट? ये सम वाला आ गया ना जहाँ पे कल फंसे थे हम लोग, सिग्मा वाला। ये हैंग इतना हो रहा है। ओके सो गाइस सिग्मा वाले में क्या होता है, कल हम जब थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे जहां मैं थोड़ा फंस रहा था, ध्यान रखिएगा जैसे हम लोग मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है ना कि एक डिटरमिनेंट में अगर एक रो जो है वो कुछ एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो। तो जैसे इस केस में हमारा क्या वेरी कर रहा है, अगर आप इसको देखोगे तो वेरी कर रहा है हमारा आर का वैल्यू। आर का वैल्यू हम लोग 1 से लेके एन तक लगा रहे हैं, ठीक है? आर का वैल्यू यस दीप एग्जैक्टली, आर का वैल्यू हम लोग 1 से लेके एन तक लगा रहे हैं, ठीक है? तो कहने के लिए जो सिग्मा सिग्मा डेल आर है, आर का वैल्यू 1 से लेके एन, अब इसके कारण आपका क्या होगा, आपका इस पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऊपर जैसे 2r है ना, तो वो 2r की जगह क्या हो जाएगा, वो सिग्मा r होगा। सिमिलरली जो नीचे 6r2 -1 है, अब वो क्या हो जाएगा 6 into सिग्मा r2 -1, ठीक है? फिर सिमिलरली नेक्स्ट वाले में अगर देखें तो इट इज 4r³ -2nr, तो इट विल बी 4 into सिग्मा का r³ -2n, कैपिटल n आपका कांस्टेंट है, into सिग्मा r। तो आपके पहले कॉलम के जो एलिमेंट्स होंगे वो ये रहने वाले हैं, इसके बाद x y z एज इट इज लिख देते हैं, और इसके बाद n into n plus 1, सिमिलरली m square into जो भी है, मतलब वहां पे n square into 2n plus 2n plus 3 and n cube into n plus 1, ठीक है? ये ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका sequences and series का concept use हो जाएगा। sigma r जो होता है, अगर आप 1 से लेके r n तक add कर रहे हो, तो sigma r क्या हो जाएगा आपका, अगर r का value 1 से लेके n तक है, तो एक तरीके से sum of first n natural number ही कह सकते हो, तो इसलिए क्या बन जाएगा n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2 हो जाएगा। Next sigma r square जो दिख रहा है, ये क्या हो जाता है, तो this is n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6, ठीक है? और लास्ट वाले में सिग्मा आर क्यूब जहां पे दिख रहा है, तो दैट इज एक्चुअली एन स्क्वायर इनटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। तो अब जो चीज आपको यहां पे देखने लायक है वो ये कि इसका जब सिग्मा लगा दिया, इस पे सिग्मा लगा दिया, तो कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ पे प्रेजेंट ही है, मतलब एक 2 को छोड़ दोगे तो 2 भी, मतलब डिटो सेम चीज यहाँ पे दिख रहा है। सिमिलरली अगर हम नीचे की बात करें तो 4r³ देखोगे तो उधर से n³ निकल कर आएगा, है ना? तो आपको सोचना चाहिए कि देयर इज हाई चांसेस, हाँ 1 को भी n लिखेंगे, 1 को भी n लिखेंगे, मतलब ये पूरे टर्म के ऊपर अभी सिग्मा लगेगा, ठीक है? तो यहां पे जब इस तरीके के क्वेश्चन है और क्लियरली मतलब
सिग्मा वाला चीज यूज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले तो जहां जहां पे वेरिएबल के कारण इफेक्ट हो रहा है ना, जहां जहां पे वेरिएबल के कारण इफेक्ट हो रहा है आप वहां पे सिग्मा अप्लाई करोगे, तो और ये फॉर्मूलाज रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम इस फॉर्मूलाज को यहाँ पे पुट करते हैं, इस फॉर्मूलाज को यहाँ पे पुट करते हैं। ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। नीचे क्या हो जाएगा, 6 इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर वाले में क्या होगा, 6 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 माइनस सिग्मा 1। सिग्मा 1 मतलब 1 को आप कितना बार ऐड कर रहे होगे, n टाइम्स ऐड कर रहे होगे। और लास्ट वाले में क्या इफेक्ट होगा, 4 इंटू एन क्यूब जो दिख रहा है, तो वहां पे आर क्यूब जो दिख रहा है, तो एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 एन इंटू एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। तो यहां पे ही सबसे बड़ा खेल रहने वाला है, यहीं पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी तो एज इट इज लिख देते हैं। एक्स x, y, z और ये अपना n into n plus 1, n square into 2n plus 3 and n cube into n plus 1। So now, इसको सॉल्व कीजिए, क्लियरली दिख रहा है कि ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये फिलहाल इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ पे इसके साथ कैंसिल हो रहा है और ये यहाँ इसके साथ कैंसिल हो रहा है। तो अब कॉमन क्या क्या ले सकते हो, कोशिश ये करूं कि कॉमन क्या क्या ले सकते हो। तो अगर मैं ऊपर का बात करूं, ऊपर फर्स्ट रो में देखिए, तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट तीसरा एलिमेंट तो आइडेंटिकल है। अगर हम सेकंड पे आ जाए तो सेकंड वाले में आई कैन टेक एन कॉमन, एन इंटू एन टू एन, यहाँ पे हम सिंप्लीफाई बगल में कर लेते हैं यार, मतलब बार बार ये मैट्रिक्स पूरा लिखने में टाइम बर्बाद हो रहा है। तो मैं ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1 को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, माइनस n। अब मैं यहाँ पे n कॉमन ले लेता हूँ, पहले n कॉमन ले लेता हूँ। सेम आ रहा है, अभी सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ सेम आ रहा है, क्योंकि पहला एलिमेंट तो सेम दिख ही रहा है और यहाँ पे भी मुझे पावर्स दिख रहे हैं। तो अगर आप n कॉमन लोगे तो अंदर वाले में क्या बचा, यहाँ बचेगा टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन, तो प्लस थ्री एन हो गया। इसके बाद यहाँ पे बचेगा आपके पास प्लस वन माइनस वन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, एक और n अगर हम बाहर निकाल ले तो हमारे पास n स्क्वायर आएगा और यहाँ पे आएगा आपके पास 2n plus 3। और ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए गाइस, वो आपका सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट भी वही है। तो एक चीज क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट सेम है, सिंप्लीफाई करने के बाद सेकंड रो का पहला एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट भी सेम है, तो हाई चांसेस है कि हमारा थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट भी सेम होने वाला है, ठीक है। और है सेम वैसे, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये n क्यूब निकल कर आएगा, n प्लस 1 इंटू n कॉमन ले लो, मान लीजिए मैं उसको भी सिंप्लीफाई कर देता हूं, n इंटू n प्लस 1 को पहले हमने कॉमन ले लिया, तो अब यहां पे बचा क्या, n इंटू n प्लस 1 बचा, तो दैट इज n स्क्वायर प्लस n, और यहां पे बचा हमारे पास माइनस 2 ना, 2 कैंसिल नहीं, क्या किया मैंने, n कैंसिल कर दिया क्या इधर,
दस तरीके कहीं यहां देखिएगा सो आई कैन टेक एम स्क्वायर कॉमन एन स्क्वायर कॉमन उठा लो और एक एन प्लस वन कॉमन उठा लो ठीक है तो बचेगा क्या वहां पे सिर्फ एक एन प्लस वन बचेगा वहां पे सिर्फ एन प्लस वन बचेगा सिद्धांत मैं आपको आफ्टर द क्लास कॉल करूंगा आप मेरे को अपना नोट दिखाओगे जो टीपी भी आपने सॉल्व किया है एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन आपका कॉमन आएगा तो एक एन प्लस वन माइनस वन ओके तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल तो फाइनली ये बन गया एन क्यूब इंटू एन प्लस वन तो गाइज हो गया सॉल्व आई कैन सी दैट कॉलम वन एंड कॉलम थ्री आर आइडेंटिकल है ना कॉलम वन एंड कॉलम थ्री आर आइडेंटिकल एंड देयरफॉर इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा So, जितनों के डाउट थे क्या ये चीज क्लियर है सर थोड़ा उसको स्लाइड को छोटा कर देना कि पूरा आ जाए कब पढ़ ले लेकिन वो ज़ूम करना पड़ेगा फिर आपको बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा मतलब मेन चीज था अंजन की हमने जो कॉलम वन में आर थे ना वहीं पे चेंज हो रहा था तो हमने कॉलम वन के सारे एलिमेंट में सिग्मा लगा दिया ठीक है कॉलम वन के सारे एलिमेंट में सिग्मा लगा दिया फिर हमने फॉर्मूला लगाया फॉर्मूला लगाने के बाद सिंप्लीफाई किया सिंप्लीफाई करने के साथ साथ दिखा कि कॉलम वन और कॉलम थ्री के एलिमेंट्स आइडेंटिकल है नेक्स्ट डन बढ़ू आगे अंजन हो गया यस सर हो गया 746 नेक्स्ट निधि ने भेजा है क्वेश्चन नंबर 19 17 भी है ओके सबसे पहले शिवम क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम लोग बात करें हाँ क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो 17 में हमें दिख रहा है कि कुछ कॉमन तो निकल रहा है ना बिल्कुल कॉमन निकल रहा है रुको 17 एन एन प्लस वन एन प्लस टू यहां लिखिए n फैक्टोरियल n प्लस वन का फैक्टोरियल n प्लस टू का फैक्टोरियल यहां पे n प्लस वन का फैक्टोरियल सिद्धांत को बोला कि उसका नोट्स चेक करूंगा भागा है फटाफट वो नेट से कॉपी करके अपना नोट्स बनाएगा क्योंकि ऐसे तो अभी उसका उतना अभी लेवल बना नहीं है क्लास ही नहीं कर रहा है सो देखिए शिवम यहां पे हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए सबसे पहले कि फैक्टोरियल्स में हम कोशिश कर सकते हैं कि कॉमन उठा ले मान लो आप चाहे रो वाइज कॉलम उठाना चाहते हो या कॉलम वाइज कॉमन उठाना चाहते हो जैसे कि ये n प्लस वन दिख रहा है सर इसमें n का वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते हैं जैसे कि सर बोला ना n एक पॉजिटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव कोई भी n का वैल्यू जैसे 1 ही पुट कर दें और इसका डिटरमिनेंट निकाल लें सर उसके बाद जो एक्सप्रेशन दिया उसमें से करें तो डिवाइड कर
हाँ लेकिन अलग अलग वैल्यूज कर सकते हो, बट दो तीन वैल्यूज में चेक कर लेना एक बार, ठीक है n की दो सर। लेकिन उसमें जानते हैं प्रॉब्लम क्या रहा है, जैसे मैंने वन पुट किया ना सर, तो वो सबको सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर जा रहा है। टूट ही नहीं किया भाई। अब वन ऐसा पुट किया नहीं सर, वन इजी था तो सोचते कि उसी का कर। सुनो सुनो, अब ऑप्शन देखो तो सर, पहला ऑप्शन है n पॉजिटिव है ना, पहला ऑप्शन है n प्लस वन, वो वन प्लस वन टू हो गया, अगला ऑप्शन है वन स्क्वायर प्लस वन, वो भी टू हो गया, और लास्ट वाला वन है। अरे यार कोई भी चीज वन से तो हमेशा डिविजिबल होगा ये, और आपका पहला दो ऑप्शन में मतलब उसमें कोई फायदा नहीं हुआ है ना। सर वही गलत हो गया सर, नहीं मतलब उसका मेरा वैल्यू 20 आ रहा था ना, तो 20 तो सबसे डिविजिबल है, 2 से भी है, 2 से भी है और 1 से भी है, मैं बता रहा हूं, इसीलिए तीनों ऑप्शन मैच कर गए। देखो n का जगह पे 1 रखियो, उसके कारण n प्लस 1 भी 2 हो गया, n स्क्वायर प्लस 1 भी 2 हो गया, और n 1 है तो वो ऐसे भी सब डिवाइड करेगा, 2 3 रखते तो आपको दिख जाता। बट एनीवेज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको ये दिखना चाहिए कि वो बहुत अच्छे से ऑर्डर बनाया हुआ है, तो कह रहा है आपको, खुद कह रहा है कि कॉमन लेके सॉल्व करो मुझे। तो हम यहां पे जैसे n प्लस 1 का फैक्टोरियल है, n प्लस 1 के फैक्टोरियल को हम n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से एन प्लस टू के फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू एन का फैक्टोरियल लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हम पहला रो से कॉमन क्या निकाल लेंगे, पहला रो से हम एन फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर इधर तो बचेगा वन, यहाँ पे बचेगा एन प्लस वन, और यहाँ पे बचेगा एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ठीक है। एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, शिवम यस ये क्लियर है, क्योंकि सेम चीज हम अब करेंगे रो टू में भी। तो रो टू में आप देख सकते हो कि हम वहां से एन प्लस वन का फैक्टोरियल कॉमन उठाएंगे, तो यहां वन बचेगा, यहां एन प्लस टू बचेगा, और यहां पे एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री बचेगा। सेम हम नीचे से क्या कॉमन उठाने की कोशिश करेंगे, एन प्लस टू, तो अब यहाँ वन बचेगा, यहाँ एन प्लस थ्री बचेगा अब, और यहाँ पे हो जाएगा वो एन प्लस फोर इंटू एन प्लस थ्री। इससे क्या फायदा हुआ, वन वन वन, और जब हमको सारे वन दिखते हैं एक कॉलम में तो हमारी कोशिश क्या होती है अगले स्टेप में, जीरोस बनाने का। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका अगला स्टेप होगा क्या कर रहे हो, रो सबट्रैक्शन, रो सबट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे करेंगे R1 changes to, मान लीजिए R1 minus R3, and then R2 changes to R2 minus R3। तो ये वन हो गया, एन प्लस वन माइनस ये, तो माइनस टू, ओके यहाँ पे एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस फोर हो रहा है ना। इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर हम आर माइनस टू कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे टू कर देता हूँ, ठीक है, एटलीस्ट लास्ट वाला सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे हमारे पास, अब आएगा माइनस वन, और यहाँ क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि n प्लस वन एन प्लस टू में से जब n प्लस टू एन प्लस थ्री माइनस करेंगे तो n प्लस टू कॉमन आ जाएगा, n प्लस टू कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा n प्लस वन माइनस n माइनस n माइनस थ्री, तो दैट विल बी माइनस टू, दैट विल बी माइनस टू। सिमिलरली यहाँ पे जीरो, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे n प्लस टू और n प्लस थ्री है, नीचे n प्लस थ्री इंटू n प्लस फोर है, तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, n प्लस थ्री कॉमन दिख रहा है, बचा n प्लस टू माइनस एन प्लस फोर, तो वहां पे माइनस टू आएगा, ठीक है। फिर यहां वन एन प्लस थ्री एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस फोर, तो आगे जीरोस मैक्सिमम। अब आपको एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन अलोंग कॉलम वन। दिव्या आप या तो अपना इंटरनेट का इश्यू सॉल्व कर लो, वरना दो महीने बाद आप बोर्ड्स लाइक पोजीशन पे भी नहीं रहोगे, जो आपका इतना इंटरनेट का इश्यू हो रहा है।
वेटिंग रूम ऑन रखा हुआ है मैंने, तो मुझे पता चल जा रहा है कितने बार आप अप डाउन कर रहे हो. सो नाउ व्हेन आई डू दिस मल्टीप्लिकेशन, तो आई कैन से कि 2 कॉमन आ गया. तो 2 ही रह गया ना, तो फाइनली आई हैव 2 इनटू n फैक्टोरियल इनटू n प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू n प्लस 2 का फैक्टोरियल. ये अपना डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, डिटरमिनेंट अपॉन n फैक्टोरियल का क्यूब माइनस 4. तो अब आपको यहां से शिवम n फैक्टोरियल निकालने की कोशिश करनी चाहिए. आप बताओ क्या आप यहां से एक एक n फैक्टोरियल निकाल सकते हो? सर मतलब देखो ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, d अपॉन n फैक्टोरियल का क्यूब लिखा हुआ था. तो d तो अपना डेल्टा जो लिखा है ना, यही d का वैल्यू है. तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड में यहाँ पे ये सब जो दिख रहा है, क्या आप इधर से 3 n फैक्टोरियल्स निकाल सकते हो? कॉमन ना सी से निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का अगर हम स्टेप देखें ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये डेल्टा को डी दिया हुआ है उन्होंने, और वो कहीं ना कहीं आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है डी अपॉन एन फैक्टोरियल का क्यूब, एन फैक्टोरियल का होल का क्यूब है, माइनस कुछ है, ठीक है, माइनस 2 या 4 है. तो हमारी कोशिश अब क्या होगी कि हम यहाँ से एन निकालें. तो एक ही बार में लिख देता हूँ फिर, एन फैक्टोरियल का होल क्यूब. जब ये निकालोगे तो यहाँ तो 2 रहेगा, ये n प्लस 1 में क्या रहेगा, n प्लस 1 बच जाएगा, क्योंकि n फैक्टोरियल हम निकाल चुके हैं. और आगे वाले में क्या बचेगा, तो आगे वाले में n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 बचेगा. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. सिंप्लीफाई क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है. तो पहले मान लीजिए कि हमने पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरे को लगा फैक्टोरियल बन जाएगा फिर से, ठीक है. वो तो फैक्टोरियल हम कॉमन लेके बाहर निकाल लिया. तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका कहीं ना कहीं n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 होल इनटू n प्लस 2 है. और इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर लो अंदर. अभी मैंने एक्चुअली इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, n प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा था. तो अब ये बन जाएगा आपका n क्यूब, फिर यहाँ से आएगा 2n स्क्वायर, और यहाँ से भी 2n स्क्वायर, 4n स्क्वायर हो जाएगा. उसके बाद 4n प्लस n, ये 5n हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा आपके पास प्लस 2. याद करो क्वेश्चन में क्या था, माइनस 4 था. तो हमने d बाई n क्यूब तो निकाल लिया, n फैक्टोरियल का क्यूब निकाल लिया. अभी हमको 4 भी अलग करना है, तो 4 अलग करना है. आप इधर से 4 निकाल सकते हो ना, ये देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 बाहर निकाल लेते हैं. तो ये आप कह सकते हो कि ये बन जाएगा 2 इंटू एन का क्यूब प्लस 4 एन का स्क्वायर प्लस 5 एन प्लस 4. और अगले स्टेप में इसको शिवम हम लोग भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में. हो गया सॉल्व. अब ऑप्शंस को देख लीजिए, उस हिसाब से क्लियरली दिख रहा है कि ये n कॉमन निकाल लोगे अगर आप. सर हो गया, दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n, ठीक है. तो क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा सा मतलब समझाना था, बोल के 2-3 स्टेप्स सारे स्टेप्स लिखे हैं, बट यहाँ पे इतना सा समझना है आपको कि सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट वहां पे दिया हुआ था. क्वेश्चन का एक्सप्रेशन से ही आपको बहुत यहाँ पे हिंट मिल जाना था कि इस एक्सप्रेशन में ये जो है आपको इसको ऑब्टेन करने का सोचना चाहिए, ठीक है, जबकि ये डी ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है. तो बस उसी तरीके से हमने पहले एन क्यूब को लेकर गया, एन फैक्टोरियल के क्यूब को फिर 4 माइनस कर दिए. अच्छा, नेक्स्ट निधि ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 19,
निधि क्वेश्चन नंबर 19 जानते हो क्या, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह के क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन मैंने बहुत बार देखा हुआ है। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की। ये एक्सप्रेशन आप लोगों को देखने के साथ साथ ना यू शुड बी एबल टू सिंप्लीफाई दिस। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की पोजीशन में नहीं रहोगे तब तक आप मतलब लाइक कुछ चीजें होती है ना कि सॉल्व करके वी काइंड ऑफ रिमेंबर द एक्सप्रेशन। जैसे मैं अगर यहीं की बात करूं तो यहां अगर एक बार मैं ब्रैकेट ओपन करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर उठाए हैं और यहाँ से ए बी एक्स उठाए हैं माइनस टू ए बी एक्स और यहाँ से हमने उठाया है बी स्क्वायर। तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? बोलो निधि, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? यस सर, एक्स माइनस बी का एग्जैक्टली। और ठीक उसी तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां से इसको उठाना, इसको उठाना, इसको उठाना, तो वो क्या बनेगा? वो आपका बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा। और सिमिलरली आगे जाओगे तो आपको सी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर भी मिलेगा। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इनइक्वालिटी इज लेस देन जीरो, इसको भी अपन लिख लेते हैं ना ठीक से। दिस इज ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना? तो ये एक्सप्रेशन तो हमारे दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। अब अगली चीज क्या फील आनी चाहिए कि यार तीन परफेक्ट स्क्वायर है, तीन परफेक्ट स्क्वायर का एडिशन को लेस देन इक्वल टू जीरो बोला हुआ है। लेकिन क्या तीन परफेक्ट स्क्वायर का समेशन कभी लेस देन जीरो हो सकता है? सर नो सर, इक्वल टू जीरो ही होगा और उसके लिए तीनों को जीरो होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो वहां से आपको एक जगह से मिलेगा ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू आपको बी बाई ए मिलेगा, एक जगह से सी बाई बी मिलेगा और एक जगह से डी बाई सी मिलेगा। ठीक है, एक्स के ये वैल्यूज मिल गए और आपको क्या बोला हुआ है, ए बी सी डी सबके सब ग्रेटर देन जीरो है, एक्स आपका एक रियल नंबर है और आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अब अब देखिए क्या करे क्या करे, अच्छा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो मुझे दिख रहा है, इस दोनों को ऐड करो तो 97 प्लस 33, 97 प्लस 33 कितना हो रहा है? 130 किसका डबल है? वो जो बीच में नंबर दिख रहा है, रो 2 का डबल है। यहाँ सिमिलरली इसको देख रहे हो, 40 प्लस 14 इज 54, उसका हाफ 27 बीच में खड़ा है। इससे आपको ये होना चाहिए कि अगर हम log c और log a का समेशन को डबल ऑफ log b दिखा दे तो मतलब मेरा काम खत्म, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और उसके लिए हमको फिर ए बी सी के बीच में पहले एक रिलेशन निकालना होगा। तो आप इसमें से d वाले पार्ट को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि d की जरूरत हमें डिटर्मिनेंट में नहीं है। तो d को हमने इग्नोर कर दिया निधि, तो अब हम कह सकते हैं, अब इस पार्ट को मैं थोड़ा इधर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, एंड अगर आप दोनों जगह पे लॉग लगाती हो, दोनों जगह पे लॉग लगाती हो तो टू टाइम्स ऑफ लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी। तो जो हम चाहते थे वो खुद ब खुद निकल कर आ गया। ठीक है, तो आई थिंक यूज करके अब इसको सब जीरो हो गया, तो डिटर्मिनेंट जीरो निकल आएगा अब इसका, है ना? मतलब दो कॉलम आपके आइडेंटिकल आ गए एक तरीके से, दो रोज। यस सर, बन जाएगा। आद्या 21 22 होमोजेनियस का, हाँ होमोजेनियस का है। 21 तो होमोजेनियस दिख रहा है, तीनों साइड जीरोस हैं, 22 भी होमोजेनियस है। अच्छा आरडी शर्मा से आप लोगों ने होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया था सबने? क्या लिखा हुआ है उधर, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता था? एनीवन? शिवम पढ़े हो आरडी शर्मा से? आदर्श? नहीं सर, नहीं पढ़े। उसी के हेल्प से ये सॉल्व होगा सर, बता दीजिए, बाद में देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। देखो सिंपल सा जो आपको यहाँ पे याद रखना होता है,
होमोजेनियस इक्वेशंस में ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू जीरो, फिर यहाँ पे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू जीरो, और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो। अब एक चीज तो आपको दिख रहा है कि तीनों के लिए, ठीक है, तीनों के लिए आपका सबसे पहले अगर एक कॉमन सॉल्यूशन में आपसे पूछूं तो क्या बताओगे कॉमन सॉल्यूशन? जीरो, राइट? तो आपका सॉल्यूशन आएगा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, तो एक्स के जगह पे भी जीरो, वाई के जगह पे भी जीरो, और जेड के जगह पे भी जब जीरो रखेंगे तो हमारा एक सॉल्यूशन आ गया। इस सॉल्यूशन को बोला जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसको बोला जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए एक छोटा सा कंडीशन होता है, एंड दैट कंडीशन इज डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। कोफिशिएंट्स का जो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट बनेगा, तो ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री इक्वल टू जीरो कीजिएगा, तो यहां से जो आएगा ये आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस है। जब भी मतलब आपको क्वेश्चंस वगैरह में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दिख रहा होगा, आप समझ जाइएगा कि आपको वहां पे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो करना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो करना है। बाकी चीजें वहां पे लिखी हुई है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। ट्रिवियल तो पूछेगा ही नहीं दीप, तो 21 ही बोल रही थी ना, 20 हो गया था ना, 20 में कोई दिक्कत किसी को? एनीवन? कोई डाउट नहीं, ओके। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 21, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विद द लीनियर इक्वेशंस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आई थिंक आप थोड़ा समझ पा रहे हो कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट को इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, और यहीं से आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल कर आना चाहिए। तो एक बार एक काम कीजिए सबको, जिन जिन से नहीं हुआ है स्पेशली, एक बार जल्दी से इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करो, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा बचता नहीं है। फिर ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, क्योंकि ऑप्शन देख के मुझे जो रेंज दिख रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो रहेगा साइन या कॉस रहेगा, और फिर उसके रेंज के अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल कर आएगा। ट्राई कीजिए सबको जल्दी, जैसे मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट वो मैट्रिक्स लिख देता हूँ, तो दैट विल बी लैम्डा 1 माइनस 1 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। क्या क्या चीजें कर सकते हो, तो रो टू प्लस रो थ्री कर देते हैं सबसे पहले, तो रो टू चेंजेस टू रो टू प्लस रो थ्री कर देते हैं, कोई फायदा नहीं है, एक जीरो ही बन रहा है। अंजन सॉल्व किए हो कि नहीं ये क्वेश्चन? अंजन गाइस, इसी के साथ हम एक और ऑपरेशन लगा सकते थे क्या? वी कुड हैव थॉट अबाउट आर वन चेंजेस टू आर वन प्लस आर थ्री कर देते, तो उससे क्या होता कि यहां पे बन जाता लैम्डा माइनस वन, यहां पे
because I'm thinking about getting maximum zeros as of now. ठीक है? And I think इसके अलावा और आगे तो कुछ काम बनेगा नहीं. तो now you have to calculate the determinant. चलिए determinant की value calculate करो एक बार. Determinant की value calculate करो सबको. You should get the answer. Try कीजिए मैं तब तक एक बार. और शुरू से आप. Well, solved. Anyone? करो भाई तुम लोग पूरा क्वेश्चन जब मुझे सॉल्व करने हैं तो एक बार तुम लोग भी ट्राई करो आप. आनंद ने बताया है 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा लैम्डा माइनस.
ओके गाइस, सो ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस पे माइनस साइन स्क्वायर है, दैट उसका वैल्यू तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस कॉस पे माइनस साइन स्क्वायर उसका वैल्यू माइनस वन हो जाएगा। बेसिकली हमारे पास क्या बचा, अगर हम यहाँ देखें लैम्डा वाले पार्ट में क्या बचा, तो लैम्डा माइनस वन इंटू यहाँ पे माइनस वन बन रहा है, ठीक है। और अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हो तो यहाँ हमारे पास बच रहा है क्या, माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा एक मिनट यहां भी देख लेता हूं कुछ गलती तो नहीं हो रहा है, माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, इक्वल जीरो। तो 2 sin alpha cos alpha को तो अपन sin 2 alpha लिख देंगे, और यहाँ पे इसको कैसे चेंज करेंगे, कोई ऑप्शन? सो हाफ एंगल वाला कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करें, लेट मी ब्रेक दिस। तो दिस इज माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 sin square alpha। तो गाइज किसको याद है इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसको याद है? cos alpha by 2। cos alpha by 2, sure, half होता था कि double होता था? Yes sir, yes sir, cos 2 alpha। cos 2 alpha ना? तो ये बताइए कि हम lambda को अगर दूसरे side भेज देते हैं, lambda को अगर हम निकालना क्या है? ये तो अपन determinant calculate कर रहे थे। sir lambda का range निकालना। अच्छा lambda का ही range निकालना है। ओके सो हो गया सॉल्व, फिर लैम्डा इज इक्वल टू अपना cos 2 अल्फा प्लस sin 2 अल्फा हो रहा है, ठीक है, cos 2 अल्फा प्लस sin 2 अल्फा। और अगर आप यहां पे आप सॉल्व करना चाहते हो तो क्लियरली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, कैसे याद करो 1/√2 वाला फंडा। अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है, 1/√2 वाला फंडा, यहां पे हम √2 * cos 2 ये कर दिया है प्लस रूट टू इंटू साइन टू अल्फा कर दिया, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा अंदर, रूट टू को आप कॉस पाई बाई फोर लिख लो, उसका आप पाई बाई रूट पाई बाई वो आपका पाई बाई फोर हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस विल बी नथिंग बट इट्स लाइक कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आपका क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर माइनस टू अल्फा, ठीक है, पाई बाई फोर माइनस टू अल्फा। अब आप ही बताओ कि इसका रेंज क्या होगा। अब अगर हम बात करें कॉस का, तो कॉस थीटा का रेंज कहां से कहां तक होता है, माइनस वन से वन तक होता है, राइट। तो अब अगर उसके बाहर एक 1/√2 लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, पूरे इनइक्वालिटी को 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ठीक है। तो ये अपना रेंज आ गया, क्योंकि यही अपना डेल्टा है एक तरीके से, यही अपना डेल्टा है। बताओ आदर्श, आद्या, आनंद, अंजन, दीप, निधि, शिवम, बताइए क्या यहाँ पे क्लियर है या कोई डाउट हो रहा है? हमने नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन किया है, कहीं पे भी कुछ दिमाग नहीं लगाया हुआ है, जैसे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके अंजन, आदर्श, आदर्श आर यू देयर? हाँ या ना भी नहीं बोल रहा, मतलब उसको सुनाई नहीं दे रहा। सर इसका आंसर माइनस वन बाय रूट टू से वन बाय रूट टू होना चाहिए। एक बार वैसे क्वेश्चन देख लेता हूं, कुछ इंफॉर्मेशन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिस तो नहीं किया। अल्फा ये सब रियल वैल्यूज दिए हुए हैं, हाँ तब तो यही होना चाहिए, हमने 1/√2 उल्टा कर दिया, ये देखो
cos 45 डिग्री 1 बाई रूट टू होता है ना। अरे यार जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, आप देखो गाइस 1 बाई रूट टू तो मेरे को यहां लगाना है, 1 बाई रूट टू मेरे को यहां लगाना है और रूट टू यहां आएगा ना, है कि नहीं। cos 45 डिग्री कितना, रूट टू होता है, 1 बाई रूट टू होता है ना, तो इसलिए चेंज क्या होगा, रूट टू यहां आएगा। तो उस तरीके से अपन इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा इनइक्वालिटी में, रूट टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस रूट टू और यहां पे प्लस टू, है कि नहीं। आदर्श आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर वॉइस कट होके आ रहा है तो फिर आपको समझने में बहुत दिक्कत हो रही होगी। इज दिस क्लियर नाउ, द आंसर शुड बी माइनस रूट टू से प्लस रूट टू गाइस। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में एक छोटा सिली मिस्टेक हो रहा था। कैन आई मूव फॉरवर्ड देन, जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑलमोस्ट एक घंटा 45 मिनट निकल चुका है, डेढ़ घंटा हो गया। और अब आया 26, ठीक है। निधि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो दिख रहा है, पी को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके आई के साथ कंपेयर करना है और वहां से एबीसी की वैल्यू निकालनी है, कि आपको ऑलरेडी दे दिया है 1/√50, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है के स्क्वायर बनेंगे, तो के स्क्वायर के जगह पे 1/50 आप डाल रहे हो, तो कहां पे दिक्कत हो रहा है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, हो सकता है थोड़ा लेंथी होगा बिकॉज 3x3 का मल्टीप्लीकेशन है और फिर वहां से एबीसी की वैल्यू निकालनी है। सर वो हम पी इंट पी डैश कर दिया, के का वैल्यू दिया है ये देखे ही नहीं। आप बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक कर रही हो मैडम, ठीक है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है स्पेशली डीएसएस में। 27 पूछा है आदर्श ने, द नंबर ऑफ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस विद फोर गाइस, ये एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ये आई थिंक ट्रिपल ई का क्वेश्चन है, ठीक है, कौन से साल का मुझे याद नहीं, बट दिस इज अ पास्ट ईयर क्वेश्चन। 3x3 के नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसमें चार एंट्रीज 1 होने चाहिए, बाकी सारे जीरोज होने चाहिए। देखो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे क्या है, नॉन सिंगुलर पूछा है आपसे, दीप ने बताया 2010 का क्वेश्चन है ये। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है व्हाट, नॉन जीरो, राइट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है नॉन जीरो। सो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये रहेगी कि ध्यान रखिएगा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं तो फिर उसका डिटरमिनेंट क्या होता है। आनंद बताओ एक बार, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के अगर हम सारे डिटरमिनेंट सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाते हैं, ये अभी आया है आनंद, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अगर एक रो के सारे एलिमेंट्स या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होते तो उसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप इधर नॉन सिंगुलर करना चाहते हो ना तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, अगर आप यहां नॉन सिंगुलर करना चाहते हो तो क्या ध्यान रखना होगा, आपको यह ध्यान रखना होगा कि उसके हर रो पे और हर कॉलम पे एक नंबर तो कम से कम हो। तो क्या मैं उसको ऐसा समझू, 3 3 6 डायगोनल एलिमेंट्स 1 को रख सकते हैं, नहीं नहीं और भी पॉसिबिलिटी होगी दीप, और भी पॉसिबिलिटीज होंगी, जैसे ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अगर मान लो कि मैंने रो 1 में
रो वन में वन को कहीं और रख दिया सर, फोर इंटीजर्स वन है। हाँ मैं बता रहा हूँ, पहले कि हम पहले तो हम देख लेते हैं कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनेगा। अब यहाँ पे दोनों रोज आइडेंटिकल है तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, राइट? तो हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। पहले तो आप क्या कीजिए, तीन एंट्रीज डालकर पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज देख लीजिए। ओके सो गाइस, सबसे पहले ये देखिए, दिस विल बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर श्योर। इतना तो सबको क्लियर है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा जो मैंने लिखा है। इसमें मैंने तीन ही वंस लिखे हैं, इसमें मैंने तीन ही वंस को लिखा हुआ है, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे जीरोस के जगह, ठीक है, मान लो कोई भी एक जीरो के जगह एक वन डाल देता हूं, कोई भी जीरो के जगह पे एक वन डाल देता हूं, तो वहां क्या होगा, वहां पे अभी भी मेरे पास जो रहेगा दैट विल बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? कोई भी जीरोस के जगह पे अगर मैं वन डाल दूं, ये देखो दिस इज अ सिंपल, अभी क्या लिखा हुआ है, सिंपल एक थ्री क्रॉस डायगनल एक तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इफ इफ एनी जीरो इज रिप्लेस्ड, इफ एनी जीरो इज रिप्लेस्ड बाय, इफ एनी जीरो इज रिप्लेस्ड बाय वन, देन ऑल्सो विल हैव a non-singular, ठीक है, then also we will have a non-singular matrix. उसके बाद भी हमारे पास guys एक non-singular matrix ही रहेगा। तो कितने zeros के positions है मेरे पास? मेरे पास 6 positions है, ठीक है? Zeros के लिए मेरे पास 6 positions है। तो उस हिसाब से 6 हो गया। लेकिन answer is not 6 because ये तो हम एक case देख रहे हैं। और इस तरीके के cases possible हैं। जैसे देखिए और इसके कौन से केसेस पॉसिबल होंगे, आई थिंक यही रहेगा फिर तो। हाँ वैल्यूज चेंज करेंगे एग्जैक्टली, बट मैं जो देख रहा हूं कि वो अलग अलग, जैसे अब मान लीजिए मैंने क्या किया, अब मैंने इधर वन लगा दिया, ठीक है, मैंने इधर वन लगा दिया और बाकी यहाँ पे जीरोस लगा रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे भी बात करें वन को घुमाने का, अगेन दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके सो बेसिकली आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो आप तीन वंस लगाओगे एंड आपकी कोशिश ये रहेगी कि हर रो और हर कॉलम में एक ही नंबर जाए, हर रो हर कॉलम पे एक ही नंबर जाए ताकि वो नॉन सिंगुलर बने। और उसके बाद हम सोचेंगे कि जैसे हमने रेड कलर वाला मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये हमेशा नॉन सिंगुलर रहेगा। अब इसमें अगर आप कोई जीरोस की जगह पे एक वन लगा देते हो तो भी ये नॉन सिंगुलर ही रहने वाला है। सिमिलरली ये ब्लू कलर वाला मैट्रिक्स है, इस ब्लू कलर वाले मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हो ये नॉन सिंगुलर रहेगा, नॉन जीरो आएगा इसका डिटरमिनेंट। अब अगर आप यहाँ पे जीरोस के जगह पे, अब आप यहाँ पे जीरोस के जगह पे कहीं पे भी वन लगाते हो, ठीक है, जीरोस के जगह पे कहीं पे भी वन लगाते हो तो क्या होगा, इफ सेम फंडा, इफ एनी जीरो इज रिप्लेस्ड बाय वन, जीरोस के जगह पे कहीं पे भी वन आएगा, देन ऑल्सो हमारे पास क्या रहने वाला है, देन ऑल्सो विल हैव
और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, देन आल्सो विल हैव अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब सोचिए कि यहाँ पे कितने केसेस हो गए, कितने पॉसिबिलिटीज है जहां पे जीरोस को रिप्लेस कर सकते हैं वन से, छह पॉसिबिलिटीज है ब्लू कलर वाले में, रेड कलर वाले में कितने, छह पॉसिबिलिटीज है, तो 12 हो गए। इसी तरीके से गाइज और भी केसेस आप ड्रॉ कर सकते हो, इसी तरीके से और भी केसेस सोच सकते हो। जैसे तीसरा केस क्या हो सकता था, 100 इधर कर दिए, 001 यहां कर दिए और 010 यहां कर दिए, ठीक है। तो एक चीज आपको दिख रहा है कि हाँ एटलीस्ट मतलब ऑप्शंस के हिसाब से देखे तो 6 इधर निकल गए, 6 इधर निकल गए, तो 12 हो ही गए। तो उस हिसाब से मेरा ऑप्शंस के हिसाब से देखो तो इट हैज टू बी ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन में दिया 5 6 एटलीस्ट 7 लेस देन 4, तो इट हैज टू बी ऑप्शन सी। बट सबसे पहले इधर बात कर लेते हैं, शिवम आनंद बताइए क्या ये चीज समझ में आ रहा है, क्या किया हमने? पहले हमने देखा कि नॉन सिंगुलर बनाने के लिए कम से कम आपको कितने वंस को अरेंज करना पड़ेगा। आदर्श नॉन सिंगुलर बनाने के लिए आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि हम कितने वंस को अरेंज करेंगे। हो सकता है इसमें से यहाँ पे कुछ लोगों ने इसको ऐसे सॉल्व किया हो, मैं बता रहा हूँ कुछ लोगों ने इसको कैसे सॉल्व किया होगा। 9 में से 4 प्लेसेस को चूज किया है 9C4, 9 में से 4 प्लेसेस को चूज किया है 9C4 लिख दिया, उन 4 प्लेसेस में 1 को अरेंज करोगे और बाकी जगहों पे 0s को अरेंज करोगे, बट ये गलत अप्रोच हो जाएगा अगर किसी ने इससे ट्राई किया है तो, क्योंकि इस 9C4 में, ये 9C4 में वो वाले केसेस भी काउंट हो जा रहे हैं जहां पे कोई रो 0 रह जाएगा या कोई कॉलम 0 रह जाएगा, वो भी केसेस काउंट हो रहा है। तो 9C4 विल नॉट बी द करेक्ट आंसर, प्लीज कीप इट इन माइंड। बहुत लोगों ने इसका आंसर 9C4 सोचकर, लकीली क्या हुआ कि 9C4 भी एटलीस्ट 7 के ऊपर निकलेगा, हाँ 9C4 का वैल्यू भी एटलीस्ट 7 निकलेगा, तो ऑप्शंस के हिसाब से मतलब सही हो जाएगा। बट अगर एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन आता है जहां पे आपको इंटीजर पुट करना होगा, वहां पे फिर गड़बड़ कर जाओगे, ठीक है। तो सर तो इंटीजर टाइप में इसका करेक्ट आंसर फिर कैसे क्या हो जाएगा? इसके सारे पॉसिबल केसेस सोचोगे नहीं थी, मेरे को ज्यादा नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि 5-6 केसेस के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। हर एक केस के लिए 6 पॉसिबिलिटीज दिख रही है, तो 5 या 6 केसेस होंगे, क्योंकि आप अगर इसी को सोचते रहोगे ना, ये देखो हमारे पास, हमने पहले यहाँ पे रो 1 को 100 रखा था, फिर ये 100 यहाँ रखा हुआ है, यहाँ 001 रखा हुआ है, आपके पास और एक पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, 010 वाला, ठीक है। तो अगर ये 010 रखते हो, इसको ऐसे रख दिया, इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, ये मेरा चौथा हो जाएगा। इसी में अगर हल्का सा चेंज कर दिए, अब इसको 001 इधर कर दिया और 1 इधर कर दिया, रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया, तो ये मेरा पांचवा केस हो गया। और एक केस कौन सा है, ये देखो, ये इधर तो 100 से 2 केसेस दिखे हम लोगों को, फिर 010 से हमको 2 केसेस दिख रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा निधि ऑप्शन, ये जो 001 है इधर से भी एक केस आ रहा होगा, और तो 001 यहाँ पे लगाए, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आपका 100 and 010, यही 6 केसेस दिख रहे हैं, इसके अलावा और कोई केस नहीं दिखेगा, ठीक है, यही 6 केसेस है, इसके अलावा और केस नहीं दिख रहा मेरे को, सोच के देखो। अब आप कोई भी करोगे तो इसी में से एक आने वाला है, तो इसका एक्चुअल आंसर जो होगा दैट विल बी 36, बिकॉज फॉर एवरी मैट्रिक्स वी विल हैव 6 केसेस एंड वी हैव 6 मैट्रिसेस, सो इट शुड बी 36 एज द आंसर, ठीक है। सिंपली क्या किया है मैंने निधि, देखिएगा शिवम, मैंने क्या किया है, रो 1 में 1 को पहले अरेंज किया था एकदम फर्स्ट पोजीशन पे, और उसके बाद मैं मैट्रिक्स को बना रहा हूं, तो मेरे पास 2 केसेस आए, ठीक है, ये मेरा पहला केस मान लीजिए, ये मेरा दूसरा केस मान लीजिए। अब तीसरा केस नहीं बन रहा था, तो मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने 1 को शिफ्ट कर दिया कहां पे, बीच में ले आया, तो थर्ड केस, फोर्थ केस, फिर हमने इसको यहां पे शिफ्ट किया, फिफ्थ केस, सिक्स केस, तो ये सारे केसेस हो रहे हैं, इसी पे आपको अब दिमाग लगाना होगा, ठीक है, डन। अब आदर्श पूछ रहा है 29, आई होप 29 के बाद और कुछ ना हो, बहुत टाइम हो गया।
29 let p and q be 3 cross 3 matrix. अरे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यार, दिस इज ऑल्सो पास्ट क्वेश्चन. p नॉट इक्वल टू q है. ओके सो 29 में p क्यूब इज इक्वल टू q क्यूब दिया हुआ है एंड p स्क्वायर q इज इक्वल टू q स्क्वायर p दिया हुआ है. अब अगर हम यहां पे इसको माइनस माइनस स्क्वायर देखो, नाउ यू वांट स्क्वायर ना, आपको यहां पे स्क्वायर चाहिए. तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो स्क्वायर क्यूब कुछ भी करोगे सब 3 क्रॉस 3 ही रहेगा. तो अगर हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा p क्यूब माइनस p स्क्वायर q और यहाँ पे आ रहा है q क्यूब माइनस q स्क्वायर p. ठीक है, यहाँ पे p स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में p माइनस q आएगा. यहाँ पे q स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में q माइनस p कॉमन आएगा. अब आप इसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ. तो ये p स्क्वायर, यहाँ पे p माइनस q है, यहाँ पे माइनस q स्क्वायर, ब्रैकेट में p माइनस q है. स्क्वायर लाना था ना, तो हम तो यही सोच रहे हैं कि जो गिवन इक्वेशंस है उसमें से स्क्वायर कैसे लेकर आए. अब आप p माइनस q को अगर कॉमन ले लेते हो बिकॉज वो एक मैट्रिक्स है, तो कहीं ना कहीं वो मैट्रिक्स अपना p स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हो रहा था और q स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हो रहा था. हाँ आदर्श बताओ. अच्छा ये प्लस होगा, इसको हम यहां लाए, p माइनस q चेंज कर दिए. ठीक है ठीक है, ठीक है. अब इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सिंस p इज नॉट इक्वल टू q, since p is not equal to q, तो p minus q zero नहीं हो सकता, है ना? implies p minus q cannot be equal to zero. it means p square plus q square को zero होना पड़ेगा, ठीक है? p square plus q square को zero होना पड़ेगा, और आपसे p square plus q square की value पूछ रही थी, तो option C answer हो जाएगा. okay, done. sir. हाँ जी. sir 30 में alpha और beta का value put करके k का value find करेंगे ना? अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करके के का वैल्यू. यस सर, तो हम अल्फा माइनस वन और बीटा जीरो पुट किए थे तो के का वैल्यू फाइव आ गया. वैसे ये क्वेश्चन आई थिंक थोड़े दो तीन दिन पहले मुझे शायद ये था या सिमिलर क्वेश्चन दीप ने पूछा था. दिस इज अ क्वेश्चन एक्चुअली बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ये क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है. अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करना चाहते हो तो ये जो 3 दिख रहा है, ठीक है, ये बच गया था कॉन्सेप्ट यार. जैसे वहां पे क्या दिख रहा है, वन रुको पत्ता कटने दो. ये वैसे ना ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम लोग को एक बार डिस्कस करना पड़ेगा, ये मैं मिस कर गया. वैसे यहाँ पे तो जनरली क्या होता है कि सेम डिटरमिनेंट की मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है.
चलो मैं आपको ना कोशिश करता हूँ एक बार समझाने की। वन थ्री है, फिर वन प्लस अल्फा प्लस बीटा है, तीन बजे से बैक टू बैक क्लास ले रहा हूँ ना, अब मेरे को फील हो रहा है। वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, गाइस ये वाला टेंशन मत लो, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग एक बार क्लास में पढ़ेंगे जरूर। ये मैं जैसे छूट गया है, टाइम नहीं हुआ था एक्चुअली, तबीयत खराब होने के कारण मिस हो गया ये। ओके सो बेसिकली क्या होता है, जैसे इस थ्री की अगर हम बात करें तो ये थ्री को हम वन प्लस वन लिख सकते थे, है ना, वन प्लस वन लिख सकते थे। और सिमिलरली अगर हम इधर बात करें, ये जो उसके जस्ट नीचे जो एलिमेंट है वन प्लस ए प्लस बी, तो वन प्लस ए प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, वन वो कहीं ना कहीं हमारा वन इंटू वन प्लस वन इंटू अल्फा प्लस वन इंटू बीटा। वन प्लस अल्फा स्क्वायर था, ठीक है। तो हाँ सेम डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, सेम डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक तरीके से जो हमारे पास मैट्रिक्स भी जो डिटरमिनेंट भी है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली जो अल्फा क्यूब है ये अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा है, बीटा क्यूब आपका बीटा बीटा क्यूब जो है यहाँ पे ये बीटा स्क्वायर इंटू बीटा है। तो मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, ये एक्चुअली इसका मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो रो कॉलम करके, तो आपको ये चीज दिख जाएगी, ठीक है। तो लेट्स ये ऑब्जर्व कैसे किए, ये थोड़ा सा कह सकते हो मुझे पता है और क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया हुआ हूं, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, तो मुझे स्टार्टिंग के चार पांच एलिमेंट से आइडिया हो गया कि ये सेम चल रहा है। और फिर उसके बाद इस दोनों को एक मतलब सॉल्व करके इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। हाँ, दोनों को सॉल्व करके दोनों का प्रोडक्ट, मतलब एक तरीके से स्क्वायर ही हो गया, तो आप फिर इक्वेट करके वहां से आसानी से के का वैल्यू निकाल सकते हो। इनफैक्ट अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा तो अल्फा की जगह जब बीटा रखेंगे तो एक हमारा फैक्टर थ्योरम से निकल कर आ रहा है, ठीक है। सर मॉड्यूल के एक्सरसाइज का दो क्वेश्चन था, तो सर वो आप व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा या अभी व्हाट्सएप पे बता दूंगा, अब मेरी बैंड बच रही है।
सर तो ग्रुप पे पोस्ट कर दे या आपके पास ग्रुप पे करो ठीक है। पर्सनल मैसेजेस में देख ही नहीं पा रहा हूँ, इतने मैसेजेस हो गए। तो गाइस मंडे से लिमिट शुरू करेंगे, बट मेरा भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हाँ डालो वहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट एक और चीज है, हम लोग लिमिट्स की क्लास को शुरू करने से पहले ना एक बार प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स को डिस्कस कर लेंगे। ये एक छोटा सा चीज बच रहा है, होमोजेनियस वाले पार्ट को एक बार आप एडिशन में से रीड कर लोगे वो उतने से काम हो जाएगा। दूसरी चीज लिमिट्स का मैं लेक्चर का लिंक आज भेज दूंगा, कल आप उसको देख लीजिएगा, ताकि हम मंडे की क्लास में हमको एकदम जीरो से उस स्पीड पे शुरू करने की जरूरत ना पड़े। फर्स्ट लेक्चर मैंने बहुत आराम से सिखाया है, आप स्पीड बढ़ा के भी आप लोग उसको सुन सकोगे, ठीक है। आदर्श पूछेगी सर बस बता दीजिए लिमिट्स के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। आदर्श बस इतना पता होना चाहिए अभी कि बेसिक फंक्शन का, बेसिक फंक्शन ना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं पूछ रहा, बेसिक फंक्शंस का आपको ग्राफ का शेप पता होना चाहिए। अब जैसे मैं आपसे पूछूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, वो पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया, लॉग वगैरह का ग्राफ कैसा होता है और उनका डोमेन क्या होता है, बस इतना चाहिए। बेसिक ग्राफ एंड बेसिक डोमेन हर फंक्शन का आपको पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर सर? फंक्शन चैप्टर 12 में भी पढ़ना है ना? हाँ वो आधा पार्ट पढ़ना है मेनली। आप एक फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालेंगे, हम लोग फंक्शन को इंजेक्टिव बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव ये सब कैसे प्रूव करोगे उसके ऊपर, उसका लिमिट्स में ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट पूरे कैलकुलस में हम जो करेंगे वहां जरूरत नहीं है। अभी लिमिट से शुरू करते, थोड़ा टाइम बाद उस पे आएंगे, ठीक है एवरीवन। तो चलो मैं एंड करता हूँ फिर सेशन को यहीं पे। क्या क्या पीडीएफ वगैरह बचा हुआ है एक बार मेरे को प्लीज बता दीजिएगा। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल होगा ऑब्वियसली आदर्श, एसओटी तो करेंगे हम लोग। लास्ट दो टीएसएस का पीडीएफ बचा हुआ है, और कुछ क्लास का कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी बचा हुआ है तो बता देना। ठीक है चलो फिर, बाय एवरीवन, टेक केयर।